हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और अभी सुबह के बज रहे हैं 7। बाहर का मौसम देख के लग रहा है 7 नहीं, जैसे 9-10 बज रहे होंगे। वो जा रहे हैं मन्नू और दक्ष, और ये मन्नू को छोड़ने के लिए नीचे, क्योंकि वो थोड़ी बहुत देर में मन्नू की बस आने ही वाली है। तो दक्ष देखिए स्कूटी चलाता जाता है अपना आराम से। मुझे ऐसा लगता है कि सर्दियों में दिन ना मतलब टाइम भी बहुत फास्ट भागता है। मतलब अगर हम 7 बजे उठ रहे तो फटाफट से 9 बज गए। और गर्मियों में ऐसा लगता है कि टाइम बहुत स्लो स्लो चलता है। आप भी बताना, आपको भी ऐसे लगता है क्या? मुझे तो ऐसा ही लगता है कि घड़ी भी शायद सर्दी गर्मी में चेंज होती है। हमारे कान्हा जी उठ चुके हैं और इनके आगे रख दिया है मैंने पानी। तो अभी नाइट ड्रेस ही पहन रखे हैं, इन्हें बाद नहलाना है मुझको। और घर की हालत तो कुछ ऐसी रहती है सुबह के टाइम, क्योंकि अभी सब सो के उठे हैं तो सब काम करना है। रात ये स्टैंड इन्होंने अंदर खड़ा कर दिया होगा, क्योंकि रात बहुत हवा चल रही थी तेज ना, तो इस वजह से इन्होंने अंदर खड़ा कर दिया होगा। और आज नाश्ते में मैं अपने लिए और इनके लिए बना रही हूँ बेसन का चीला। इधर प्याज काट के रख दिया मैंने, बाद में मिक्स करूँगी मैं इसको। और ये आ गई है मन्नू की बस, छोटी सी, अभी न्यू बस लगाई है। पहले तो बड़ी आती थी बट अब छोटी आ रही है, क्योंकि इनकी बस लेट हो जाती थी ना। ये जा रही है मन्नू, अब चढ़ी है मन्नू, वो आ रहा है दक्ष, और आराम से घूमते घुमाते आ रहा है दक्ष। दक्षी हो गया है रेडी स्कूल जाने के लिए नहा के, और दक्षी देख रहा है टीवी में क्या। दक्षी देख रहा है कोई राइम है, ये कौन सी है? ये फाइव लिटिल मंकी। क्या कह रहे थे आप? आपने बोला इसी बात पे कि आपको देते पंखे, क्योंकि आपने अपने दादा ऊपर पानी खेल दिया है। हाँ, फिर दक्षी को बहुत मजा आया नहाने के बाद, है ना। सॉक्स और शूज पहन लो, टाइम हो चुका है आपका। ओके दे देखो बाबा हेलो मम्मी भी बना रहा हेलो देखो फोन देख लेते पापा। अभी दक्ष भी चला गया है स्कूल, 9:15 बज चुके हैं। अब करते हैं अपना घर का काम, फिर कुछ साफ सफाई भी करनी है, क्योंकि अगले फ्राइडे को हमारे यहाँ गेस्ट आ रहे हैं। गेस्ट आ रहे हैं इनके फ्रेंड, जो कि बैंगलोर रहते हैं, बेस्ट फ्रेंड ही है। तो हम लोग भी पहले बैंगलोर रहते थे, तो हम लोगों को 1 साल हो गया है। अप्रैल में हम लोग आ गए थे वहाँ से, तो हम लोग यहीं पर शिफ्ट हो गए हैं। पहले हम रहे चेन्नई रहे हम, कम से कम 5-6 साल हम चेन्नई रहे हैं। फिर 1.5 साल हम रहे बैंगलोर, और फाइनली अब हम आ गए अपनी साइड ही चंडीगढ़। ये जो फ्रेंड हैं वो लोग तो वहाँ पे छुट्टी पड़ जाती है, फिलहाल अप्रैल और मई की छुट्टी रहती है। हमारे यहाँ छुट्टी पड़ती है जून में, और उनके यहाँ छुट्टी पड़ती है अप्रैल और मई में। तो जून में वहाँ स्कूल खुल जाता है, जून में यहाँ छुट्टी पड़ती है, तो इसलिए वो लोग समर वेकेशन पे इधर आ रखे हैं। तो उनका घर है गंगो सहारनपुर के पास, तो वो हमारे यहाँ भी आएंगे, अगले फ्राइडे को आएंगे। तो उसके लिए मुझे साफ़ सफाई भी करनी है, क्योंकि जब कोई आता है तो साफ़ सफाई तो मोस्टली है कि करनी पड़ती है। ये बच्चों ने क्या उधम मचा रखा है बालकनी में, सारे में ये जो बारीक बारीक वाइट वाइट आपको दिख रहा है ना, ये पेपर को पानी में भिगा के और उसको सब जगह इन्होंने यहाँ तक दरवाजे पे अंदर यहाँ सब जगह ये फैला रखा है। ये काम और बढ़ा दिया इन बच्चों ने ना, तो अब एक्स्ट्रा काम बच्चों ने बढ़ा दिया। कि कल तो मैंने बालकनी को धोया था, मैंने सोचा था कि आज खाली पोछा लगा देंगे चल जाएगा काम, बट आज फिर दोबारा से मुझे उसको धोना पड़ेगा, क्योंकि सारे में वाइट वाइट पेपर चिपके हुए हैं। मेरा काम कुम हो गया है ख़त्म, तो अभी बज चुके हैं शायद से 11 बज चुके हैं। तो बनाना है दिन का खाना, तो खाने में बनाना है आज लौकी चने की दाल डाल के, और चावल तो आज बनेंगे नहीं क्योंकि आज एकादशी, तो एकादशी के दिन चावल नहीं बनते। तो लौकी को मैंने काट लिया है, और ये चने की दाल है इसको डाल के बनाएंगे। तो ये मसाला हो गया तैयार, प्याज लहसुन, और इसी में सारे मसाले डाल लिए मैंने, हल्दी नमक मिर्च धनिया और थोड़ा सा पानी। आप छोड़ते हैं, इससे पहले डालते हैं हींग। दिखाओ।
दक्ष को मिला है ये गिफ्ट, किसी बच्चे का बर्थडे होगा तो रिटर्न गिफ्ट है। अभी है, अभी है? हाँ वो। फिर हैप्पी बर्थडे ही बोला था क्या आपने? हाँ बोला था। कैसे? हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? भाई अभी अभी खाना खा लिया दोपहर का किचन में बैठ के ही, और किचन में बैठने के बाद मतलब यहाँ बैठा था मैं और यहाँ से कुछ दिखता है बाहर का व्यू, तो ऐसा लग रहा है कि भाई बारिश होगी आज, आंधी तूफान आने की संभावना लग रही है। तो चलो मैं बाहर से भी दिखा देता हूँ आपको मौसम। नीचे तो बढ़िया धूप निकल रही है और कल से थोड़ी गर्मी भी ज़्यादा बढ़ गई, और ऊपर देखो ये बादल जो है बनने लग गए काले काले, और दूर दूर से देखेंगे तो थोड़ा धुआं धुआं सा है, मतलब फिक्का फिक्का सा हिसाब लग रहा है। तो ये सारे लक्षण जो है आंधी तूफान और बारिश के हैं, तो देखते हैं अगर हुई तो हम आपको दिखाएंगे। और दक्की राजा यहाँ बैठ के खेल ही रहा है भाई, इन्होंने नया खेल पढ़ा है। पेपर डाला आपका? मेरा पेपर डालते हैं ना पानी में, पता नहीं क्या बनाओ जाए अरबी पुरबी सी। तो चलो जी आपको बता देंगे अगर बारिश हुई, जैसा भी रहेगा अपडेट मिलता रहेगा। हाँ आपको बता देंगे। इनको खाना खिला दिया है और किचन भी कर दिया मैंने पूरा क्लीन, देख लीजिए आप भी, सब बर्तन वगैरह सब क्लीन करके रख दिए हैं। दक्ष के लिए लगाया है खाना, उसको खिलाना पड़ता है अपने, अब तो वो खाता नहीं है तो उसको खिलाऊंगी मैं ये अभी, ये सब्जी कुछ सलाद और एक रोटी। जी मौसम हो रहा है कैसा, जैसा इन्होंने भविष्यवाणी की थी कि बारिश आएगी, फिलहाल तो हल्की हल्की बूंदें पड़नी स्टार्ट हो चुकी है, और पीछे उधर हो रहा है बिल्कुल काला बादल और इधर निकल रही है धूप, तो बूंदें तो पड़ रही हैं। और अभी देखते हैं आंधी तूफान के लिए भी बोला है तो कितना आएगा कैसा आएगा, बट फिलहाल बारिश तो आने शुरू हो गई है धीरे धीरे करके तेज, कि भविष्यवाणी हो गई सच। आपने कहा था बारिश आएगी कितने बजे कहा था? 3:30 बजे। तो वही टाइम हो रहा है शायद। क्या टाइम हो रहा है? 2:30 बजे। तो 2:30 बजे आए तो इनकी भविष्यवाणी हो गई सच, तूफान तो आया नहीं पर तूफान आ जाएगा। आधी हुई है अभी भविष्यवाणी, पूरी सच नहीं हुई है, तूफान नहीं आया। देखते हैं, थंडर स्टॉर्म तो चल रहा है भाई, तो अजीब सा ही मौसम हो रहा है, देख रहे हैं आप लोग भाई धूप निकल रही, उसी के साथ साथ भयंकर वाली बारिश, मोटी मोटी बूंदे पड़ रही, ये देखो नीचे गिल्ला हो चुका। तो ये मन्नू चला रही है स्केटिंग जैसा कि उसने सीखी है, आज तो मनु स्केटिंग चलाना सीख रही है धीरे धीरे, कुछ तो इसको आती है और कुछ इसने अभी सीखी है। तो कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है? अच्छा लग रहा है, डेली ऐसी करती हूँ तो। उन्होंने मुझे दिया है प्रैक्टिस करने के लिए घर पे या नीचे चलाने के लिए, उसके बाद हमको 1 मंथ कंप्लीट होने के बाद हमें उनको देनी है, फिर हमें नहीं लेनी है जब तक हमको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मुझे हो रहा है 4:30, और जो इन्होंने बोला था कि आंधी तूफान और बारिश आएगी तो वो सच हो चुका है, बारिश उधर की साइड हो रही है बहुत तेज, इधर फिलहाल हो रही है पर कम, इधर तो बस हवा चल रही है तेज वाली, देख लीजिए आप हमारे पंखे को चलते हुए अंदाजा लगा सकते हो। तो जी आपकी दूसरी भविष्यवाणी भी हुई सच, तो आपको कैसे लग रहा है? आवाज अड्डा लग गया भाई साहब, और कैसा लगता। फिलहाल हवा भी आ रही है और बारिश भी आ रही है, तो गाइस मेरी प्रेडिक्शन है कि भाई ओले पड़ेंगे, तो देखते हैं कि प्रोडक्शन सही रह गया नहीं, दबा के बारिश हो रही है, खतरनाक माहौल बन चुका है गाइस, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और दोनों भाई बहन जो है यहाँ बैठ के खेल रहे हैं बारिश में, और यहाँ तक बारिश पड़ रही है, ये देखे भाई बहुत दबा के बारिश खतरनाक। अब तो शायद ओले ना पड़े क्योंकि बारीक हो चुकी बूंदे। अरे कहना क्या चाहते हो? बट देखते हैं, एकदम से माहौल चेंज हो गया भाई साहब। ओ पीछे जा रहे भाया, चलो बेटे अंदर खेल लो जाके, बहुत तगड़ी बारिश होगी। शाम के बज चुके हैं 7 और मौसम देखिए हवा कितनी तेज चल रही है, घूम रहा है हमारा, और उधर सामने ना बिजली भी चमक रही है बहुत तेज, और अभी फिलहाल आज ठंडा एकदम मौसम हो गया है और आसमान में बिजली भी चमक रही है। अभी देखिए आप मौसम की नजाकत को देखते हुए ये लेकर आए क्या हो? गर्मा गर्म समोसे। अमन बहुत खुश है, समोसे आ चुके हैं, तो आइए आप भी मौसम में खा लीजिए समोसे हमारे साथ। अन्नू चला रही थी स्केटिंग कर रही थी, और ये से चलाने नहीं दे रहा है दक्ष,
कभी छेड़ रहा है, कभी धक्का देता है पीछे से। दक्षी चलाने दो दीदी को। दक्की हो गया रेडी स्केटिंग के, हेलमेट और ये हाथ में बांध के। ये मुझे परेशान कर रहा था ना, तो मैंने इसे बोल दिया कि मेरे पास एक सरप्राइज है मेरा है, तो मैंने इसे ये दे दिया, खुश हो गया। अरे दक्की, दक्की लग रहा है कि यहाँ भी पहन लिया इसने। और दक्ष लग रहा है कि ऐसे ट्रैकिंग करने, ट्रैकिंग करने जा रहा हो दक्ष। छोटे भीम दक्ष, दीदी को धक्का नहीं देना है ठीक है, ये खराब हो जाएगा हेलमेट, अंकल पिटाई करेंगे। दक्ष बाबू आप गंदे बच्चे क्यों बन रहे हैं, इतना बड़ा बैग टांग के। बाय बाय बाय, केटिंग करने जाना। हाँ बाय, केटिंग दे देंगे। हाँ आपको स्केटिंग दे देंगे अंकल, बाय। छोटे वाले दे देना। ओके छोटे वाले, बाय। आगे देखो, आगे देखो। ओके बाय, जाओ जाओ आगे देख के जाओ। तो आपने देखा यह मौसम कितना अच्छा हो गया है और ठंड काफ़ी बढ़िया वाली हो चुकी है। मतलब अगर कहीं जाओ ना बाइक वगैरह पे तो स्वेटर पहन सकते हैं, फिलहाल तो स्वेटर अभी भी पहन सकते हैं। यहाँ बालकनी में इतनी तेज हवा चल रही है, बहुत ठंडा हो चुका है। तो मौसम को देखते हुए बहुत अच्छा फील हो रहा है, देख लीजिए और मतलब कितना अच्छा व्यू आ रहा है पीछे से। तो चलिए जी, हम इस मौसम के साथ अपने ब्लॉग का एंड करते हैं, यहीं पे मिलते हैं हम आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, तब तक के लिए बाय बाय।